हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर में एक नया मशीन लेके आया हुआ हूं, सिंपल स्क्रू जैक, किसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं चार पांच मशीन के बारे में बता चुका हुआ हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हुआ तो पहले आप उसे देख लेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। और भी मशीन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन में दिया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया पहले लेक्चर में ही। जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं वो सब फॉर्मूले में पहले ही से बता चुका हुआ हूँ, तो आपने अगर नहीं देखा हुआ तो उसे पहले देख लेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंपल स्क्रू जैक, अब हमें ये देखना है। अब देखो, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने भी इस मशीन चैप्टर में हमें मशीन के बारे में स्टडी करना है, वो हर एक मशीन का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लोड को उठाना। यानी हम लेस एफर्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोड को उठा सकें, यही हमारा मशीन का ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको मशीन के डेफिनेशन में भी बताया था, अ मशीन इज अ टूल्स और डिवाइस दैट मेक्स वर्क ईजियर, फास्टर और बेटर बाय यूजिंग लेस एफर्ट। यानी कि वहाँ पर लेस एफर्ट लगा करके किसी भी वर्क को बहुत इजी तरीके से, फास्ट और बेटर तरीके से कर सके, वही तो मशीन कहलाता है। तो यही मशीन का हमारा यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट है कि हमें लोड को उठाना है। इस सिंपल स्क्रू जैक मशीन का यूज कहाँ पे किया जाता है? वाहनों में जो उसका पहिया होता है उसे चेंज करने के लिए, यानी कि हैवी लोड को उठाने में इस स्क्रू जैक का यूज किया जाता है। बात समझ में आई आपको? जैसे मान लीजिए कोई वाहन ट्रक हो गया, ट्रक में जब भी उसका पहिया खराब हो जाता है या उसको हमें चेंज करना होता है तो इस स्क्रू जैक का यूज वहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बना हुआ है। देखिए, ये स्क्रू जैक का बॉडी है आपका, ये ठीक है, स्टैंड कह सकते हैं, बॉडी है ये। इस बॉडी में ये आपका स्क्रू जैक है। ये स्क्रू जैक बिल्कुल राइट एंगल पे वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसके चारों तरफ दांते बने हुए हैं, दांतेदार स्क्रू है ये, यानी थ्रेटेड है आपका, ये पूरा थ्रेड बना हुआ है इसमें, ठीक है। ये आपका कैसा है? टूथेड स्क्रू है आपका, ये यानी दांतेदार है ये बना हुआ है। और इसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे, देखिए ये जो स्टैंड बना हुआ है ये तो आप ग्राउंड लेवल या किसी प्लेटफॉर्म पर रख देंगे, लोड को आप यहां से उठाएंगे। यहां पर यह हत्था हैंडल बना हुआ है, इस हैंडल को जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा? जब हैंडल को घुमाएंगे तो इस स्क्रू में क्या बने हुए हैं? दांते बने हुए हैं। तो ये आपका स्क्रू या तो ऊपर जाएगा और या तो नीचे आएगा। तो हमें लोड को अगर ऊपर उठाना है तो इसे हम जो है ऊपर उठाएंगे, नीचे करना है तो नीचे करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हैंडल ये है, अगर हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये स्क्रू क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका हमारा मेन ऑब्जेक्ट है फॉर्मूला बनाना है, वेलोसिटी रेशियो का। हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना होता है और डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना होता है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, और हमें वेलोसिटी रेशियो का ही फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो मानते हैं, माना लेंथ ऑफ हैंडल कैपिटल आर है, लेंथ ऑफ हैंडल, देखिए बहुत इजी है, टफ नहीं है ये, आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप बहुत इजीली समझ लेंगे। वो हैंडल की लंबाई कितनी है? आर हो गया, हत्थे की लंबाई, ठीक है। यहां पर लोड कितना उठाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है? डब्लू लोड, भार डब्लू। एफर्ट कितना लगाया जा रहा है आपका? एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, पी। अब यहां पर समझिए आप, अगर मान लीजिए आपने इस हैंडल को एक राउंड घुमा दिया, पूरा एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर घुमा दिया, तो क्या होगा? एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2πr। ऐसे जितने भी मैं अभी तक आपको मशीन बताऊं, ज़्यादातर मशीन में यही तो हुआ है कि किसी भी चीज़ को अगर आप एक राउंड घुमाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
टू पाई आर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय, या डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट इन वन रिवॉल्यूशन। कितना हो जाएगा? टू पाई आर, ठीक है। यानी कि एक चक्कर इसको क्या किया गया? घुमा दिया गया। अब देखिए ये आपका स्क्रू है, ये कितना ऊपर नीचे आता है, समझिए। ये जो हैंडल है, हैंडल स्क्रू से फिक्स कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हैंडल को आप घुमाएंगे और स्क्रू नहीं घूमेगा, हैंडल और स्क्रू दोनों फिक्स है। जब हैंडल को हम घुमाएंगे तो स्क्रू भी क्या होगा? घूमेगा। अगर एक चक्कर आप हैंडल को घुमाते हैं तो एक चक्कर आपका स्क्रू भी क्या होगा? घूम जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जब इसे आप एक चक्कर घुमाएंगे, एक राउंड लगाएंगे, तो इसके जो दांते हैं स्क्रू के, ये एक दांत ऊपर या नीचे हो जाएगा। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक दांत का जो भी लेंथ होगा वही होगा। आपको देखने पे आसानी समझ में आ रहा है, जब इस हैंडल को हम घुमाएंगे, एक चक्कर घुमाएंगे, तो स्क्रू भी क्या होगा? एक चक्कर घूमेगा। जब एक चक्कर घूमेगा तो कितना ऊपर या नीचे उठेगा? केवल एक दांत, उसके एक चक्कर में एक ही दांत या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे उठेगा। तो मान लीजिए इसके दांत की लंबाई पी है, इसे पिच बोलते हैं, पिच ऑफ टीथ कितना मान लीजिए? स्मॉल पी। तो देखिए अगर एक चक्कर मैंने इस हैंडल को घुमाया तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2πr। तो ये स्क्रू क्या होगा? ये भी एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर में कितना इसका टीथ ऊपर नीचे होगा? एक ही होगा, और एक का डिस्टेंस कितना है? p। तो मैं कह सकता हूं कि w का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना हो जाएगा आपका? केवल स्मॉल p। यहां से वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बना लीजिए आप। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। वीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr अपान में स्मॉल पी। कह सकता हूँ इफ एफिशिएंसी इज 100% देन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr अपान में। देखिए बहुत ही सिंपल मशीन था ये, इतना टफ नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतने मशीन आपको बता चुका हूँ, 4-5 मशीन शायद बता भी दिया है मैंने आपको। तो वो जब मशीन आप हर एक मशीन को देख लेंगे ना, तो ये अपने आप देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली हमें निकालना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। वो आपको देखने से ही मालूम चल रहा है कि अगर मान लीजिए एफर्ट को हम एक राउंड लगाते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2πr हो जाएगा, और ये कितना ऊपर नीचे उठेगा? एक ही दांत तो ऊपर नीचे उठेगा, तो कितना उसका डिस्टेंस होगा? दांत की लंबाई जो भी होगा, मान दांत की लंबाई पी है, तो पी ऊपर उठेगा, पी नीचे उठेगा, बस। बहुत ही सिंपल है ये आपका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में आपको, वहाँ पे बताऊंगा एक नया मशीन के बारे में बताऊंगा, और वहाँ भी ऐसे ही आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आप क्या कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में आप फिगर बनाएंगे, फिगर बिना आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। आप फिगर बहुत अच्छे से बनाएंगे, जितना अच्छे से आप फिगर बनाते हैं उतना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिगर बनाएंगे उसके, इसके बारे में जो मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे बना हुआ है वो आप लिख देंगे, 2-4 लाइन लिखेंगे। उसके बाद ये जो मैंने मेन चीज़ ये है, आपका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है, कैसे बनाया हुआ है, वो आपको लिखना है 5 नंबर का। ये BTUP एग्ज़ाम में क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए पूछा जाता है ये, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।